नमस्कार मेरे प्यारे कर श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2024-25 के बारे में, और आपके जितना भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इसके साथ ही आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण, और इसके साथ में ही आप सभी के लिए तैयारी में रामबाण साबित होने वाली टेस्ट सीरीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों, एंड तक बने रहना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन और इसके साथ में सभी एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो आज का जो सेशन रहेगा अपना ओनली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रहेगा, और जितने भी आपके सवाल है उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। सभी सवाल आपके जो नोट डाउन करके और इस पर जो वीडियो की स्क्रिप्ट है वो लिखी गई है, इसके बाद में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका जवाब आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें कि ज्यादातर सवाल रहता है जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं कि सर योग्यता क्या है इसके लिए, इसके साथ में ही इसका सिलेबस क्या है, और इसके साथ में ही इसमें कितने पद आने वाले हैं, मतलब ये जो भर्ती आएगी, नेक्स्ट भर्ती जो आएगी कितने पदों पर आएगी, और ये भर्ती कब आने वाली है, इसमें सीईटी लागू होता है या नहीं होता है, तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, सभी सवालों का अगर आप जवाब चाहते हो तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना, कंप्लीट चर्चा। अगर कोई स्टूडेंट पहले से भी तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को एंड तक देखना, उसको भी काफी इंफॉर्मेशन इससे मिलने वाली है। सिलेबस पर पूरी चर्चा करेंगे, इसके साथ में इसकी योग्यता वगैरह, क्योंकि कि एक चीज है कि माइंड में अपने जो टारगेट है ना, टारगेट बनने से पहले उसकी रणनीति बननी चाहिए, रणनीति से पहले उसका सिलेबस अपने माइंड में होना चाहिए। तो कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि साथियों अपने इसकी योग्यता क्या रहती है, इसकी योग्यता क्या रहती है। तो योग्यता की मैं बात करूं तो साथियों, 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए, 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए, वह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 ईयर का होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी में छूट रहती है पर 18 ईयर का होना चाहिए। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें कि 18 ईयर का तो है पर ये कब तक होना चाहिए, जैसे अगली जो वैकेंसी आएगी ना, जैसे 2025 में आती है तो उसमें दिया जाएगा क्राइटेरिया कि 2026 जनवरी तक 18 ईयर का होना चाहिए, तो 18 ईयर इसकी एज लिमिट है। अब इसके बाद में सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे, सीईटी लागू है या नहीं है, भर्ती कब आएगी, और अपन सीईटी की बात करें कि सर राजस्थान में जो सीईटी का एग्जाम लगता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लगता है, क्या इसमें लागू है, क्या इसमें लागू नहीं है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सीईटी कतई लागू नहीं है, ओनली एक डायरेक्ट एग्जाम होता है, उसी के थ्रू आपको क्या मिलता है, सिलेक्शन मिलता है। अब अपन बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सोचेंगे कि क्या पता सर टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे एक नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की और तमाम एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताने वाले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके साथ में ही अपन बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर की जितनी भी क्लासेस चलती है उनके बारे में बताएंगे, पर एंड तक बने रहना, पहले अपन जो मेन मुद्दा है ना उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। अब कि सर जो अपना पेपर होता है, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं ये तो अपने को पता हो, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं साथियों, टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिवाइडेशन की बात करूं तो 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, इसके साथ में ही बात करूं तो 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और इसके साथ में ही बात करें तो 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में भी तीन आ जाएगी, जैसे एग्रोनॉमी आ गई, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखना भाग ए में सबसे पहले क्या आएगी, हिंदी आएगी, 15 क्वेश्चन, और इसके साथ में प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो 45 नंबर का हो जाता है, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें जो हिस्ट्री वगैरह है, इसके साथ में भूगोल है, इसके साथ में कल्चर वगैरह आ जाएगी, तो ये अपने 25 क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ में ही 75 नंबर का
हो जाएगा। इसके साथ में ही सस्ते विज्ञान, मतलब इसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 20 क्वेश्चन तो अपने एग्रोनॉमी के आएंगे, 20 हॉर्टिकल्चर के आएंगे, 20 एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे, और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 60 आते हैं। और ये अपने किस में आ जाएंगे साथियों, अपने एग्रीकल्चर का पार्ट आ जाता है। तो टोटल कितने हुए साथियों, 100 क्वेश्चन हुए। टोटल कितने नंबरों का, 300 नंबरों का हुआ। इसके साथ ही बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, और मैक्सिमम जो पूर्णांक है वो 300 अंक का रहता है, और 2 घंटे की अवधि अपने को मिलती है। इसके साथ में ही प्रश्न पत्र में संख्या, जो क्वेश्चंस की संख्या है वो ओनली कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल रहते हैं, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो राइट माने जाते हैं, सही कोई भी संशय होता है तो। इसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होते हैं, और 1/3 क्या रहती है साथियों, माइनस मार्किंग रहती है, सही। ये आपका क्लियर होता है। अब इसके बाद में हिंदी के सिलेबस की क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई भी साथी तैयारी कर रहा है ना, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी इतनी डीपली नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। ओल्ड पेपर को उठाकर देख सकते हो, और मेन चीज है कि ओल्ड पेपर्स वगैरह एक रणनीति होना, एक गाइडेंस हो अच्छा सा, तो आसानी से इस एग्जाम को आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले सुपरवाइजर में टोटल हिंदी के कितने हैं, 11 टॉपिक है। टोटल कितने हैं, 11 टॉपिक है। लगभग अगर मानो ना कि आप डिटेल से पूरे सिलेबस को याद करते हुए करो ना कंप्लीट, तो 1 ईयर मैक्सिमम टाइम है, मतलब मैक्सिमम टाइम 1 ईयर में आप आराम से पूरी चीजों को समझते हुए, ओल्ड पेपर्स को सोल्व करते हुए 1 ईयर में क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। पर ऐसे नहीं कि बस उठा लिए एग्रीकल्चर की, उसको पढ़ दिया, ऐसे भी समझो कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, सही। क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों को ज्यादा क्या करो, कवर करो, उन पर ध्यान दो, ओल्ड पेपर्स को देखो। इसके साथ में ही बात करें तो पहला है कि संधि और संधि विच्छेद से क्वेश्चन आता है, इसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय, इसके बाद में आता है कि जो अपने सामासिक, मतलब जो समास है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। शब्द युग्मों का जो अर्थ है वो आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, शब्द शुद्धि, कोई भी शब्द दे देगा कि इसका शुद्ध बताइए, कौन सा है शुद्ध है ये बताइए, कोई वाक्य दे देगा उसमें बताएगा कि ये वाक्य गलत है सही है, सही शुद्ध है क्या शुद्ध है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, वन वर्ड जिसको अपन बोल सकते हैं, पारिभाषिक शब्दावली आ जाएगी। इसके साथ में जैसे नहीं आ सकती है, जैसे कोई हिंदी का शब्द दे दिया, इसके लिए इंग्लिश क्या उपयुक्त की जाती है। इसके बाद में मुहावरे और लोकोक्ति, इनसे टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे संधि से जो पूछ लेते हैं, किसी से 2 पूछ लेते हैं, किसी से 1 भी नहीं पूछा जाता है, और वैसे मोस्टली ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, 1-1 तो पूछे जाते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन अपने कितने हैं, 15 क्वेश्चन है। हिंदी का सिलेबस समझ में आ गया। इसके बाद में कि सर हम हिंदी की तैयारी लगभग कितने दिन में कर सकते हैं, अब आप देख लीजिएगा कि अगर पहले से उन किसी का बैस मजबूत है, और 10th में 9th में अगर हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ी है, तो वो स्टूडेंट इसको ओनली 1 मंथ में भी कवर कर सकता है आसानी से। कितने में, 1 मंथ तो बहुत ज्यादा है, मतलब रिवाइज भी कर सकता है 1 मंथ में। इसके अलावा किसी ने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो 2 मंथ में आराम से पूरी स्ट्रॉन्ग कर सकता है इसको। और स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी आप ले रहे हो और वहां से आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप रटे जा रहे हो, रटने की चीज एक भी नहीं है इनमें, देखे ना। तो ये वन वर्ड वगैरह ये चीजें हैं, संधि विच्छेद, इसके साथ में प्रत्यय, उपसर्ग और समास वगैरह, इन चीजों को आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा। और जो जैसे बहुत सारे आते हैं वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर, ये आपको ओल्ड पेपर्स में जो पूछे गए ना उनको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है। ऐसी बुक लानी है जिससे ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन अपने क्या हो, सोल्व हो। अगर इजी लैंग्वेज में आपको हिंदी समझनी है, तो 9th से 12th की जो हिंदी की बुक आती है वो बेस्ट रहती है। इसके बाद में अगर बात करें अपन आगे की ओर, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास संस्कृति, सबसे पहले भौगोलिक संरचना, ऐसे बात करें ना कि अपन राजस्थान जीके का सिलेबस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है राजस्थान जीके का। अगर अपने सुपरवाइजर में देखे तो इसमें भौगोलिक संरचना में ओनली क्या पढ़ना है, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें, बस यही पूछा जाना है इसमें। और प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी आती है जीके में से, 25 है। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास में सभ्यताएं पढ़नी है, और इसके साथ में ही व्यक्तित्व पढ़ने हैं, मतलब ये जो राजा हैं इनके क्या पढ़ने हैं, व्यक्तित्व पढ़ने हैं, ये 2 ही पढ़नी है। अब बात करें ना
की सभ्यता कालीबंगा और आहड़ दो ही सभ्यता पढ़नी है। इसके साथ में ही जो भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है इसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा और राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ना है, राजस्थान की बोलियां वगैरह, कृषि पशुपालन, राजस्थान की शब्दावली आ जाएगी, ये किसमें आ जाते हैं कल्चर के टॉपिक आ गए, कृषि पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवता संत संप्रदाय, इसके साथ में लोक पर्व त्योहार मेले पशु मेले, इसके साथ में लोक कथा लोक गीत नरते मुहावरे कहावते फाड़े लोक नाट्य लोक वाद्य कठपुतली कला, ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ज्यादातर कल्चर से पूछे जाते हैं और ज्यादा स्टूडेंट्स किस चीज को लेकर बैठते हैं, हिस्ट्री को लेकर बैठते हैं। नहीं, पहले आप कल्चर को पढ़ो, भूगोल को पढ़ो, इसके बाद में क्या पढ़नी है आपको इतिहास पढ़ना है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर नई भूगोल पढ़नी पड़ेगी या पहले वाली चल जाएगी, और मोस्टली अगर बात करें तो भर्ती अभी लेट आने वाली है और नई वाली भूगोली आपको पढ़नी होगी। इसके बाद में पहले आप तैयार करो इनको, कल्चर को तैयार करो, हिस्ट्री को तैयार करो, इसके बाद में अपन चलते हैं विभिन्न जनजातियां, क्योंकि टॉपिक भी ज्यादा किसमें है कल्चर में है। इसके साथ में स्त्री पुरुष के वस्त्र आभूषण, चित्रकार और हस्तकला, और इसके साथ में ही बात करें इस तापे मतलब इसमें आ जाएगी दुर्ग महल हवेलियां छतरियां और बावड़ियां तालाब मंदिर मस्जिद, इसके साथ में ही बात करें संस्कार और रीति रिवाज, इसके साथ में ही बात करें धार्मिक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आ जाएंगे, मतलब ये आपको क्या करने हैं जो राजस्थान का जीके है उनमें तीनों पार्ट में पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, एक तो एग्रोनॉमी, इसके साथ में एग्रोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा। एग्रोनॉमी में मेनली अगर मैं बात करूँ ना तो 11th में जो एग्रोनॉमी का सिलेबस है, 12th में एग्रोनॉमी का सिलेबस है, वो ही मोस्टली है कि सर 11th और 12th के से ही पूछा जाता है क्या। 11th और 12th के बाहर बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। अब बोलेंगे कि सर पिछले पेपर में तो बहुत आउट क्वेश्चन पूछते थे, पर मैं बता दूं कि बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, और वो भी आपको पता नहीं चलता है कि से क्वेश्चन। अगर आप डीपली अध्ययन करते हो ना किसी भी बुक का, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो पूरा बुक का समझ में आ जाता, पूरा नहीं आता है। 11 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, और अगर वो पढ़ लेते हो तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऐसे मान लो कि 99% क्लियर हो जाता है। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा जाना है और इसके साथ में ही कोई एक गाइड वगैरह आपको पढ़नी है नॉर्मली रूप से, और फिर आप जाओ ना डीपली जाना है तो फिर डीपली जा सकते हो, और मेरे हिसाब से इतना ज्यादा डीपली आप ओल्ड पेपर्स को भी देख सकते हो। तो एग्रोनॉमी का सिलेबस आ जाएगा, और ये सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा, ये सिलेबस अपने एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप है वहां पर मिल जाएगा। तो वहां एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस को, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो सिलेबस को, सही है, वो प्रोसेस में बता दूंगा किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद में उद्यानिकी या हॉर्टिकल्चर का सिलेबस आता है, वो ही 11वीं 12वीं वाला आएगा। इसके साथ में ही बात करें पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री का, वो ही सिलेबस आएगा जो 11वीं और 12वीं में है, वही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में है। तो ये अपना सिलेबस है, अब टॉपिक बताएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये आपके क्या होते हैं सिलेबस वाला पॉइंट क्लियर होता है। अब आगे की अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट अपने बच रहे हैं। योग्यता हो गई, इसके साथ में ही सिलेबस हो गया। पदों की बात करें लगभग ऐसे मान लो कि 1000 से लेकर 1500 पदों तक ये भर्ती आने वाली है, और एंड तक जो भर्ती होगी ना 1600 पदों के आसपास में ये होगी। और इसके साथ में ही बात करें ना तो ये भर्ती कब आने वाली है, ये 2025 में, कब 2025 में, ये 2025 एंड तक के चांस है, पर ऐसे नहीं है कि 2025 में शुरू में ये भर्ती आ जाएगी, क्योंकि अभी तो पिछली भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ में इसमें सीईटी लागू नहीं होगा। अब इसके बाद में कि सर टेस्ट सीरीज हम कैसे ज्वाइन करें, ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कहां पर जाना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर, मैं गूगल पर जा रहा हूं पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस, और ब्राइट एग्रो क्लासेस सर्च करते ही प्ले स्टोर पर आप जैसे ही जाओगे तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और फ्री टेस्ट सीरीज गोल्डन टेस्ट सीरीज के नाम से क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में भी बता देता हूं थोड़ा सा, 4 बजे ऐप पर टेस्ट लगता है, शाम को 4 बजे ऐप पर टेस्ट लगता है, और शाम को 6 बजे यूट्यूब पर क्या हो जाता है सॉल्यूशन। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, एक सैलरी वाला पॉइंट रह गया सुपरवाइजर में, सैलरी वाला पॉइंट रह गया। सैलरी की अगर मैं चर्चा करूं,
सैलरी की मैं चर्चा करूं तो सैलरी में क्या आएगा साथियों, सैलरी में लगभग बात करें 13,600 तो 2 साल के पीरियड में मिलता है, जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें तो कितने मिलती है 13,600, इसके बाद में 33,000 के आसपास, इसके बाद में 33,000 के आसपास क्या हो जाती है इसकी सैलरी हो जाती है। और कि सर फिर अपने पेंशन मिलती है क्या? बिल्कुल पेंशन मिलती है, बिल्कुल पेंशन मिलती है। और इसके साथ में ही आपके जो सैलरी से रिलेटेड जो डाउट थे वो भी क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं कि सर कोई भी अपडेट है वो कहाँ पर मिलेगी। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइट एग्रो क्लासेस, सर्च आपको करना क्या है, फॉलो करके मैसेज करना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, दिखा देना अपना दमखम और बोल देना कि सर अब यहां पर क्या कर दो, शुरुआत कर दो जो अपने क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि इंस्टाग्राम दिन में कभी 10-20 मिनट अपन चलाते हैं, उसमें भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिसेस होते रहे, चैनल पर भी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कोई भी अपडेट हो तो अपने इंस्टाग्राम पर आती रहती है। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और मैसेज करना क्या, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिमोटिवेट रहते हैं कि सर मैं पिछली भर्ती में नहीं बना, अब बन सकता हूँ क्या? बिल्कुल बन सकते हो। इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद को विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। और ऐसा नहीं कहीं कहीं पर भी नेगेटिविटी मिल रही है, नेगेटिविटी ग्रहण नहीं करनी, नेगेटिव हर लोग होते हैं, कोई ताने मारते कोई क्या करते हैं, उनको पॉजिटिव रूप में लेना है। और आप भी बन सकते हो, आप भी कर सकते हो। और ऐसे नहीं कि एक दो भर्ती में कि सर मैं तो फर्स्ट बार कर रहा हूं मेरे तो होगा नहीं होगा, नहीं फर्स्ट बार में ही होगा। और ऐसे नहीं कि सीटें कम है तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल आपका होगा, बहुत सारी सीटें, 1600 सीटें हैं, आपको सीट चाहिए ओनली एक, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सुपरवाइजर बन सकते हो। इसके साथ में कोई बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और नई कॉलेजों में है और तैयारी करना चाहता है बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर्स की, तो आप जुड़ सकते हो ब्राइट एग्रो के प्लेटफॉर्म से। और साथियों मेरे हिसाब से सभी डाउट आपके क्लियर होते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर आएगी और उसमें आपका डाउट क्लियर होगा, एक तो सैलरी का डिटेल से और इसके साथ में ही बुक्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, कहां से कैसे तैयारी स्टार्ट करें, इसका भी आपको डिटेल से वीडियो मिलने वाला है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।